हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पीएससी, पुलिस, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम से जरूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में दोस्तों, आप पूरे क्वेश्चन को लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट की तरह पूरा सॉल्व कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 4 सेकंड का टाइम दूंगा, तो आपको सॉल्व करना है दोस्तों। लास्ट में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना है। दोस्तों, आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। पढ़ाई तो करते हैं आप लोग, लेकिन टेस्ट देना, खुद को जज करना बेहद जरूरी होता है। तो आप लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, आपको बताना है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। आपको 4 सेकंड का टाइम प्रत्येक क्वेश्चन में मैं दूंगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बता देता हूं, ऑप्शन डी 80%। ठीक है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 80%। अगला प्रश्न है हमारा, मानव का सामान्य तापक्रम कितना होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, काफी सिंपल है, मानव का सामान्य तापक्रम आपको बताना है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना, तो दोस्तों 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर में आहार मुख्यतः पचता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में। ठीक है, मानव शरीर में आहार जो मुख्य रूप से पचता है, छोटी आंत में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, लेकिन बार बार पूछा गया, इसलिए आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो दोस्तों प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों, मोटिवेट करने के लिए। और शेयर कर दें दोस्तों फटाफट इस वीडियो को, ताकि सभी लोग जुड़ सकें और सभी की हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। आपको बताना है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, इसमें से आयरन। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पालक। यदि आपने पालक लाया तो बिल्कुल सही है, पालक। क्वेश्चन फिफ्थ है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। चलिए, तो बिल्कुल सही है, आपने ऑक्सीजन लगाया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। सबसे प्रचुर मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन सेवेंथ है, भोजन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंह। ठीक है, सभी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आप रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करें, तो आपके लिए एल बुक पब्लिशर द्वारा एक पीडीएफ नोट्स, स्पेशल नोट्स तैयार किया गया है एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। दोस्तों, इस नोट्स में विशेषता यह है कि आपको इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, 20 फ्री मॉक टेस्ट, साथ ही साथ ट्रिकी ट्रिक से आपको मैथ्स उसमें सॉल्व की गई है, 4000 ऑनलाइनर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पीडीएफ नोट्स की प्राइस है दोस्तों मात्र 35 रुपीज की, तो आप बुक परचेज कर सकते हैं। बुक परचेज करने के लिए दोस्तों, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, चलिए मैं बता देता हूं इसका। ऑप्शन बी फीमर, बिल्कुल सही है। अगर आपने फीमर लगाया है, टिक किया, तो बिल्कुल सही है, फीमर। क्वेश्चन नाइन्थ है हमारा दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, आंतरिक अंग कौन सा, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। चलिए, तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी, यकृत। ठीक है, अगर आपने यकृत ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन टेंथ है हमारा दोस्तों, मानव मस्तिष्क का कितने ग्राम का वजन होता है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1350 ग्राम। बिल्कुल सही, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही साथ में सॉल्व करते रहें दोस्तों और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखते रहें। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। चलिए बिल्कुल सही ऑप्शन सी, प्रामस्तिष्क। ठीक है, प्रामस्तिष्क। क्वेश्चन ट्वेल्थ है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है,
चलिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन है यदि अगर आपने राइट किया है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका शरीर में तंत्रिका तंत्र है। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी पिट्यूरी, ठीक है। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूरी है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, काफी सिंपल भी है। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पिट्यूरी, पिट्यूरी, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहां पाएंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो फटाफट लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें जल्दी से। हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, 16 से 18 बार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको बताना है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी टांग में, ठीक है। क्वेश्चन 18 हमारा, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन बी यकृत, ठीक है। यकृत जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अपथोल्मिक संबंधित है, किससे संबंधित है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी आंख से, ठीक है। क्वेश्चन 20 है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आपको बताना है मानव शरीर में कौन सा पदार्थ है जो तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बिल्कुल सही दोस्तों ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव रक्त की पीएच वैल्यू, पीएच मान कितना होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इसका आंसर आप करेक्ट बताएंगे। चलिए बिल्कुल सही ऑप्शन सी 7.4। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन की गति प्रति मिनट कितना होता है। चलिए काफी सिंपल है, ऑप्शन बी 72, 72 बार। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए ये काफी सिंपल बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, आई होप आप इसका आंसर जरूर सही देंगे। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है। चलिए बिल्कुल करेक्ट, वो जो है सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है, यूनिवर्सल डोनर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। चलिए बिल्कुल सही ऑप्शन बी दोस्तों, अगर आपने राइट किया तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी ए बी, ठीक है। ए बी जो है सर्वग्राहक रक्तदाता ग्रुप है ए बी, और वो जो है यूनिवर्सल डोनर। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल ए बी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। चलिए तो आप सबको पता है ऑप्शन डी जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है ओ रक्त समूह वाले को। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए बिल्कुल करेक्ट है, अगर आपने ए राइट किया है, एक चूज किया है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंसुलिन की कमी से कारण होने वाला रोग कौन सा है। इंसुलिन की कमी कारण होने वाला कौन सा रोग है। बिल्कुल सही ऑप्शन बी डायबिटीज, डायबिटीज इंसुलिन कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन 29 है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। फोर्टी सिक्स
46, ठीक है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 46। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन सी 6। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? काफी सिंपल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, चलिए ऑप्शन बी स्टेपीज, कान की हड्डी, ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंसुलिन स्रावित होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पैंक्रियाज में, ठीक है। क्वेश्चन 34 है हमारा, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन है अस्थि मज्जा में, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 35 है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट, 5 से 6 लीटर, लगभग सभी लोग इसका आंसर करेक्ट दिए हैं, 35 का सी, 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन 36 है, लाल रक्त का आकार होता है, चलिए ऑप्शन ए गोलाकार। क्वेश्चन नंबर 37 है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? चलिए 120/80, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, कई बार पूछा गया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन ए फाइब्रोनोजन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? चलिए बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, चलिए बिल्कुल करेक्ट, आयरन, ठीक है, आयरन उपस्थित होता है। तो ये थे टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों मैं डेली जनरल साइंस की वीडियोज़ लेकर आता हूँ इसी टाइम पर, लगभग 9 बजे के समथिंग, तो आप वीडियो और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।